सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के संस्कृत कक्षा में हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी संबंधी हम पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें हम पाठों के साथ ही साथ आगे बढ़ रहे थे। जो भी पाठ हमारे रीडर से रुचि का भाग एक से आने वाले हैं, उसका हम लोग पुनराभ्यास कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम अगला पाठ बकस्य प्रतिकारक करेंगे। बकस्य प्रतिकारक की कहानी आप में से मुझे कौन बता सकता है, क्या होता है बकस्य प्रतिकारक में, तो उस तारतम्य में हम आगे बढ़ेंगे। आप में से मुझे बताइए, जिसको भी कहानी याद होगी, बकस्य प्रतिकारक में क्या होता है? मैम कहानी याद है पर संस्कृत में नहीं आती। हाँ संस्कृत में नहीं बोल रही बेटा, हिंदी बता दीजिए तो हम उसको फिर मैं वो चैप्टर लाकर मैम मैं बताऊं। वेट 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 वेट, चलिए सबसे पहले चाहत का आया था इसलिए चाहत बोलिए। चलिए बेटे बोलिए, चाहत बोलिए। मैम एक बतख रहता है और एक सियार रहता है। मैम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। मैम एक बार सियार ने अपने दोस्त बतख को भोजपत्र में बुलाया था। फिर वो खुशी खुशी गया, बहुत खुश होके वो अपने मित्र के घर गया। और सियार ने उस समय खीर बनाई थी, वो छोटे से दोने में रखा था, जो खीर वो बतख नहीं खा पाया। उसने फिर खुद ही पूरी खीर सफा चट कर गई। फिर उसके बाद एक और बार बतख अपने घर वापस चले गया। फिर बतख ने एक बार अपने मित्र सियार को भोजपत्र में बुलाया। वो वहां जाके उसने उसमें खीर बनाई थी उसने लंबे दोने में रख दी, ताकि बतख वो खुद आसानी से खा पाए, और सियार नहीं खा पाया। इसलिए जैसा उसके साथ हुआ वैसे ही उसने भी उसके साथ किया। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें पात्रों के नाम आपने परिवर्तित किए हैं। इन पात्रों को सही कौन करेगा? आपने कहा बतख था इसमें। मैं बताऊं पात्रों को सही कर बताइए, सही करके बताइए पात्र यहाँ पर। कहानी सही है, चाह आपने बिल्कुल सही कहा और उद्देश्य भी सही रहा। इसमें पात्र कुछ अलग थे, जो कि तत्सम शब्द में हमारे हो सकता है प्रश्न में आए, तो अगर हम उसका बतख लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पात्र को सही कर बताइए बेटा। तीर्थ बोलिए। मैम सियार जो है वो थाली करा था, और जो बतख है वो बड़ी पतली पतले गले वाली मटकी को रखा था। आपने भी गलत कहा, बतख नहीं है वो, बतख नहीं है। पात्र सही कौन करेंगे आप में से कोई? क्यों मान्य पात्र कौन थे उसमें? हाँ सुनो बोलिए, पात्र कौन थे? बगुला और सियार। बिल्कुल सही कहा, बगुला था। बतह इति बगुला, बतह इति बगुला हो गया। बगुला और बतख में अंतर है। बगुला जो पेड़ों पर बैठा रहता है ना, सफेद रंग की चिड़िया जो ऊपर बरगद के पेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर बैठे रहता है, कभी आपने देखा है? तो वो बगुला है। और बतख क्या होता है? जो पानी में तैरते हुए आपने देखा है वो बतख है। दोनों में अंतर है, दोनों का निवास स्थान अलग है, दोनों की क्रियाएं है ना। तो ये है ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप देखिएगा कि उस कहानी में किस तरह से होता है। यहाँ पर आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, सभी देख पा रहे हैं बेटा? यस मैम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये अंतर दिख रहा होगा आपको, है ना? अंतर क्या दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही कहा आपने,
श्रृंगाल बक श्रृंगाल सियार, ये दिख रहा है आप चित्र के माध्यम से उस पात्र को याद रख सकते हैं। और बगुला, अब आप देखिए बगुले के बनावट में क्या अंतर है, इसके पैर लंबे हैं है ना, इसकी गर्दन बहुत की सुराहीदार है, इनके चोंच लंबे हैं, तो इस तरह से, जबकि बतख का ऐसा नहीं होता है, बतख के पैर छोटे होते हैं और वो इस पानी में तैरता है, जबकि इसके पंख है ये उड़ती है, बगुला जो है वो उड़ता है, तो ये अंतर है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बार क्या होता है कि ये जो सियार है उसको बगुले को आमंत्रित करता है, और आमंत्रित करने के साथ ही साथ क्या करता है, ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, और चाहत ने कहा भोज पत्र में आमंत्रित करता है, भोज पत्र नहीं है बेटा, भोजन के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या देता है, और फिर ये क्या देता है, खीर देता है, किसमें देता है, पात्र ऐसा रहता है कि थाली नुमा रहता है, तो थाली नुमा रहता है जिसके कारण से बगुला उसे शीघ्र ही खा लेता है, और उसको फिर चोंच की जरूरत, चोंच से खाना है तो इसलिए पहुंच नहीं पाता। फिर ये देखिए इस थाली तक, थाली में इसने दिया था तो बगुला ही उसको निमंत्रण पर बुला के उसको बस खड़े खड़े देख रहा है, और सारा खीर इसने खा लिया है ना, चित्र याद रख लिया तो आपको समझ में आएगा। फिर अगली बार बगुले ने आमंत्रित किया और बगुले ने सुराहीदार में दिया, जिसका कि इसका सुराहीदार होने के कारण से ये खाने में समर्थ हो पाया, बगुला चुपचाप खड़ा हो गया। इसलिए व्यक्ति को क्या कहा आपने, आत्म श्रृंगाल बगम प्रति आदृश्य, श्रृंगार बगुले के प्रति इस प्रकार का व्यवहार अकरो किया था, बक अपनी श्रृंगाल प्रति तादृश्य, और इस तरह से बगुले ने भी श्रृंगाल सियार के प्रति इस तरह का व्यवहार किया, प्रतिकार उसका विरोध किया, प्रतिकार करना इति विरोध करना, उत्तम अपि इसलिए कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, तस्मात् सद् व्यवहत्वं मानवेन सुखेच्छया, अर्थात क्या कहा गया है कि हम जिसके साथ उसका फल हमें दुख के रूप में ही प्राप्त होता है, इसलिए तस्मात् इसलिए सद्व्यवहार, इसलिए हमें सद्व्यवहार कर्तव्यम करना चाहिए, मानवेन सुखेच्छया, इससे भी मानव को सुख की प्राप्ति होगी, तो हम हमको हमारे लिए किसके लिए, मानव के लिए बात करेंगे। तो ये सारे शब्दार्थ आप पढ़ेंगे, अब इतना सारा चीज हो गया, मैंने कहा ना अभी प्रश्नोत्तर भी आए। मैम जी, मैम जो शब्दार्थ है मैम उसको हिंदी जैसे एग्जाम में आ गया कि ब, आ, आ, शव कुरु का मतलब क्या है, तो मैम हम लोग को हिंदी में लिखना है ना उसका अर्थ? जी बिल्कुल, शब्दार्थ पूछेगा तो हिंदी में लिखना है। मैम आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ना, कम आवाज आ रही है। अच्छा, और बेटा बाकी को? मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, बाकी सब क्लियर है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। क्या करते हैं इसको, आवाज अगर कम आ रही है तो ठीक है, अब बताइएगा आगे। तो इस तरह से अगर हमारा शब्दार्थ कहने को आए तो शब्दार्थ हमें ये शब्द दिया रहेगा, उसका हिंदी में ही हमें लिखना होगा, ये संस्कृत ये इंग्लिश वाली लाइन हमें नहीं लिखनी है। शब्दार्थ का मतलब आपको शब्दों को समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे अव्यय पद लिखा है, आप मैं ये जो मार्क कर रही हूँ आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है हमारा कि इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उस ये सारे क्या है, अव्यय पद, अव्यय पद को चुनकर हमें इनमें लिखना होगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। अव्यय पद क्या होते हैं, अव्यय पद वे स्वतंत्र पद होते हैं जो कभी किसी वाक्य के साथ परिवर्तित नहीं होते, वे स्वतंत्र होते हैं और उनका एक ही अर्थ होता है, किसी वाक्य में बदल कर वे अलग नहीं होते। जैसे आप ध्यान से सुनिए फिर भूल जाओगे, कुमार व्यवस्थित बैठिए बेटा,
सबसे पहले तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमें ये प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये समझना होगा। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अव्यय पद। मैंने क्या कहा? अव्यय पद क्या होता है? ये स्वतंत्र शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के साथ जुड़कर नहीं बदलते, उनका अर्थ हमेशा वही रहता है जो एक शब्द जो उसका है। जैसे अद्य, अद्य की क्या होता है? देखिए ये अगर हमने नहीं पढ़ा है तो फिर गलत बात है, हम पढ़ नहीं रहे हैं तो ये गलत बात है बेटा। अद्य की क्या होता है? अद्य कुमार, आप सबसे पहले तो अपना कैमरा या मोबाइल एक जगह पर रख लीजिए। इस तरह से हिलते डुलते में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अद्यति क्या होता है? कौन बताएंगे? अद्यति हमारे इतने सारे बच्चे ना, बोलिए। देशना, अरहम, तन्मयता, सोनू, रूबी, अद्यति। जब तक हम इसका मायने नहीं समझेंगे हम इसे नहीं बनाए पाएंगे। मैंने पिछली कक्षा में ही आपको कहा था कि आपको पढ़कर आना है। हाँ बेटा बोलिए। आज अद्यति, आज। अपीति, अपीति आज नहीं, अभी अभी। हाँ अगर अद्य इति आज हुआ तो अपीति भी, अभी भी 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 अभी नहीं केवल भी। अद्यति आज, अपीति भी। प्रातः इति सुबह, सुबह सुबह, बिल्कुल सही कहा आपने। कदा, कदा इति मैं एक मिनट इसका मेरे को पता है। कदा इति बोलिए। अगर, अगर नहीं और अगर हमारी कक्षा में और बाकी बच्चे हैं, बोलिए बेटा। कदा, कदा इति कद, कदा इति कब, कब। सर्वदा, सर्वदा इति सभी, हमेशा। बिल्कुल सही कहा बेटा, हमेशा। सर्वदा इति हमेशा। अधुना इति अधूरी, हाँ अधुना इति तीर्थ मेहता। क्या होगा अधुना इति? यस मैम। अधुना इति मैम, मैम एक बार अधूरा। बेटा तीर्थ आजकल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या पढ़ाई करते समय ऐसी जगह पर बैठ रहे हो जहाँ पर आवाज होती है तो आपका पूरा ध्यान आ रहा है, कर देते हो तो बिल्कुल नहीं करते करते आपके कानों में जो आवाज नहीं, कभी कभी आए मेरे को लगता है कभी कभी होगा। अधुना इति मैम अब, अधुना इति अब, बिल्कुल सही कहा आपने अब। तो देखिए क्या हुआ इसका, इसका हुआ उचित पद। फिर क्या हुआ इसका उचित पद? कुछ इस तरह से हुआ कि अद्य इति आज, अपीति भी, प्रातः इति सुबह, कदा इति कब, सर्वदा इति हमेशा, अधुना इति अब। तो अब इन वाक्यों को हमें यहाँ पर इन शब्दों को सॉरी इन शब्दों को हमें यहाँ पर इन वाक्य के साथ में ऐड करना है। रिक्त स्थानम भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, तो इसका हिंदी क्या होगा? खाली स्थान भ्रमण अर्थात घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा?
जी प्रातः प्रातः बिल्कुल सही कहा आपने, प्रातः प्रातः जब घूमते हैं, घूमना उसमें जो हवाएं चलती होती है वो शुद्ध होती है, इसलिए क्या है कि सुबह के समय घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगला क्या है? सर्वदा सर्वदा रिक्त स्थानम सत्यम वद, रिक्त स्थानम सत्यम वद अर्थात क्या हुआ? सर्वदा मैम सर्वदा हमेशा हमेशा हमें हमेशा सत्य बोलो ऐसा कहा जाता है। अगला इसमें पूछा जा रहा है त्वं रिक्त स्थान मातु गृहं गमिष्यसि, त्वं कदा कदा अपने मामा के घर गए थे, तुम कब अपने मामा के कदा कदा दिनेश विद्यालयं गच्छति, दिनेश जो है वो विद्यालय जाता है, अहम रिक्त स्थानम तेन सह गच्छामि, अहम अपि तेन सह गच्छामि, बिल्कुल सही कहा आपने, अपि इति भी मैं भी उसके साथ जाता हूँ, मैं भी उसके साथ जाता हूँ, दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अब भी तो यहाँ तात्पर्य हुआ अपि, अपि इति भी, अब ये पद क्या होते हैं वे कभी नहीं बदलते थे, जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल यही आकर इस वाक्य में वैसा ही आ रहा है ना, हमें कहीं पर इसमें ए की मात्रा नहीं लगानी पड़ रही है, कहीं विसर्ग नहीं लगाना पड़ रहा है, जो शब्द जैसे हैं वैसा ही यहाँ पर आ रहा है। अगला इसमें प्रश्न है रिक्त स्थानम विज्ञानस्य युगः अस्ति, अद्य विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना आएगा अधुना, आपका जो युग है वो विज्ञान का युग है ऐसा आएगा, ठीक है। अगला इसमें प्रश्न है रविवार अस्ति, अद्य रविवार रविवार अस्ति, बिल्कुल सही कहा आपने, अद्य रविवार अस्ति, आज जो है वह रविवार है ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइएगा, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3, आपको दिख रहा है बेटा प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न yes, ma'am. क्या है प्रश्न क्रमांक 3, जब आप देखेंगे तो आपको आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, मैंने आपको कहा है कि इस बार की परीक्षा में क्या होगा प्रश्न उत्तर भी आएंगे, तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए, क्या है इन प्रश्नों के उत्तर? मैम फर्स्ट का श्रृंगालस्य मित्रं बकः आसीत्, बिल्कुल सही कहा आपने, श्रृंगाल का मित्र सियार का मित्र कौन था, तो कौन था, तो कौन श्रृंगालस्य बकः बगुला, श्रृंगालस्य मित्रम का आशित, श्रृंगार सियार का मित्र कौन था, बकह बकह आशित, ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने, बगुला था उसका मित्र जो है वह बगुला था। अगला प्रश्न क्या लिखा है सोनू, अगला प्रश्न क्या लिखा है, स्थालितः कः भोजनं न अखादत, इसका क्या होगा हिंदी तात्पर्य क्या होगा, हिंदी क्या होगा इसका, स्थालिता है थाली, हाँ थाली स्थालितः बकस्य भोजन नहीं स्थालितः श्रृंगालस्य भोजनम न अखादत, बिल्कुल गलत कहा आपने बेटा, इसका हिंदी पहले जानिए फिर आपको वो कहानी पता है ना तो आप इसको कर पाओगे, कि थाली का जो भोजन है कह इति कौन भोजनम न आखद अखादत, जो थाली का जो भोजन था वह कौन नहीं खा पाया, बकस्य
बकस्य नहीं बकह आएगा, यहाँ पर क है, जैसे उसका उत्तर विसर्ग की तरह है तो हमारा उत्तर भी विसर्ग की तरह होगा। अगर यहाँ पर स्य अकस्य लिखा रहता तो हम बकस्य कहते, लेकिन यहाँ क लिखा है तो हम बकह लिखेंगे। तो थाली का भोजन कौन खालतः बकह भोजनम न अखादत, अखादत बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न है आरी गोलछा, बताइए बेटा क्या लिखा है प्रश्न। मैम कैन आई टेल, वेट, आरी गोलछा अरिहंत जैन, प्रश्न रीड कीजिए बेटा। ठीक है, हार्दिक, मान्या, डबल ए मान्या, मैम ये लोग तो क्लास में है ही नहीं। हाँ बस इन्होंने एंटर कर लिया, उसके बाद कक्षा में छोड़कर चले गए, इनको रिमूव करेंगे इसलिए पूछ रहे हैं हम इनका नाम लेकर। यस मैम। हाँ बेटा ये प्रश्न क्रमांक ग रीड कीजिए। ग जी, बक श्रीकाले भोजने किम अयच्छत। अयच्छत बिल्कुल सही कहा बेटा, इसका हिंदी कौन बताएंगे। प्रश्न है बक श्रृंखलाय भोजने किम अयच्छत। यस इसका हिंदी कौन बताएगा पहले ये बताइए, इसका हिंदी क्या होगा। बकह श्रृंगालय, बगुला जो है वो सियार को भोजन में किम इति क्या अयच्छत इति देता है। बगुला जब उसे अपने घर में बुलाता है तो वो खाने में उसे क्या देता है, ये यहाँ इसका उत्तर आएगा। अगर दिया तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मैम बकह श्रृंगालय भोजने खीर अयच्छत, क्षीरम क्या आएगा, क्षीरम क्षीरिति क्षीरमिति क्षीरमिति वत्स छुरी खीर, छुरी नहीं, छुरी को कोई खाते हैं क्या। जाएगा खीरा खीरम खीर, खीर खाने को दिया था उसने खीर। हाँ इस तरह से आपको आपको खुद को रीड करना है। अगली कक्षा में जब आप आओगे तो अगला जो पार्ट है उसे रीड करके आएंगे, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं थोड़े दिन एब्सेंट था तो मैं पढ़ नहीं पाया अगले पार्ट का नाम। अगला प्रश्न है घ, घ को रीड कीजिए, तीर्थ मेहता रीड कीजिए बेटा तीर्थ। स्वभाव कृदृश भवती, मैम मैं बताऊं बोलिए कि जो सियार था उसके भाव कैसे थे जब वो उसको अपने दोस्त को भोजन में बुलाया। तो सियार बिल्कुल सही कहा बेटा आपने तीर्थ बरड़िया कि श्रृंगार का सियार का जो स्वभाव है वह कैसा था। तो कैसा था उत्तर बोलिए, कौन बताएगा। बुरा था, श्रृंगालस्य स्वभावः बुरः अस्ति। बुरः क्या होता है, बुरः क्या होता है, क्या होता है? और कोई बोलिए
कुटी में सुधावा। हाँ जी ये देखिए कुटुलस्व भाव। बिल्कुल सही कहा आपने, कुटुलस्व भाव यही लगती है। आपको लिखने में भी आना चाहिए, ये आप दिख रहे हैं देख रहे हैं कुटिल स्वभाव। मैं छोटा हूँ, मैं छोटी ई ल अधश व आ व विशद, कुटिल स्वभाव था उसका, अच्छा स्वभाव नहीं था, चमत्कार था वो। सभी देख पा रहे हैं कैसे लिखा है? तो हमें इसी शब्द को यहाँ पर लिखना होगा कि श्रृंगालस्य स्वभावः स्वभावः कुदिलः स्वभाव कुदिल स्वभावः भवति भवति। यहाँ अस्ति होना था पर भवति लिखा, फिर भवति लिखेंगे। ठीक है, जो जैसा लिखा वैसा लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा है, क्या करना है, प्रश्न को पढ़कर कौन बताएंगे और इसमें क्या करना है मुझे कौन बताएगा, बोलिए। मैं पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। मतलब अपन जो लिखा हुआ है उसका विलोम शब्द लिखना है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका विलोम शब्द मैं पूछते जाऊंगी वे बताते जाएंगे। आदि ये क्या लिखा है बेटा, आदि ये क्या लिखा है? यस मैम। ये क्या लिखा हुआ है? सत्रुम। सत्रु, सत्रु का विलोम शब्द क्या दिया गया है? मित्रम। मित्रम तो शत्रु इति दुश्मन, दुश्मन दुश्मन का क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, उसका दोस्त। तो ऐसे ही ये जो शब्द लिखा है उसका ये शब्द क्या लिखा है? सुखदम। सुखदम तो इसका क्या होगा? दुखदम। दुखदम दुखदम बिल्कुल सही कहा बेटा, उत्तम। अनंत पारक, अनंत पारक ये क्या लिखाया है? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार है ना, तो इसका विलोम। अच्छा पहले तो इसका समानार्थी बताइए, दुर्व्यवहार का हिंदी क्या होगा? अच्छा व्यवहार। दुर्व्यवहार का विलोम नहीं पूछ रहे हैं, उसका नाम गंदा व्यवहार। बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार जो लिखा है उसका अपोजिट हिंदी में क्या होगा? अच्छा व्यवहार। सुव्यवहार। बुरा व्यवहार। अच्छा मैम सुव्यवहार आएगा, सदव्यवहार। सुव्यवहार होता है क्या होता है? सदव्यवहार। ठीक है यस मैम, सद सद लग जाता है और सदव्यवहार हो जाता है। दूर इति बुरा, सद इति अच्छा, तो बुरे व्यवहार का अच्छा व्यवहार होगा विलोम। तो यहाँ पर दुर्व्यवहार का है तो वहां पर सुव्यवहार नहीं होगा, सदव्यवहार होता है। ठीक है बेटा। यस मैम। अगला है मैम शत्रुता का, मैं बताऊं शत्रुता का मित्रता। मित्रता मृत। अगला ये है अनंत काकरिया, ये क्या लिखा है बेटा? मैम शायद टाइम हो गया है क्लास का, 9:40 हो गए। मैम मित्रता होगा शत्रुता का। आपकी कक्षा फिर मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ठीक है तो फिर सर्वे भी पुनर्मिलामः, अगली कक्षा में आप पढ़कर पुनर्मिलामः महोदया। पुनर्मिलामः महोदया। पुनर्मिलामः महोदया।